ईश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 3 दिवसीय दरबार लगा नेपाल में, तो भक्तों ने यहां पर बाहें खोलकर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया। पंडाल भक्तों की भीड़ से खचाखच भर गया। जिन्हें जगह जहां पर मिली वो वहां पर बैठे, जिन्हें जगह नहीं मिली वो सड़कों पर खड़े होकर हनुमंत कथा का आनंद लेने हुए नजर आए। दिखाते हैं आपको नेपाल में बाबा के क्रेज की एक झलक। लंदन में मचाकर धूम, सरकार पहुंचे काठमांडू। बाबा बागेश्वर इन नेपाल, उमड़ा जनसैला। पशुपतिनाथ की, मुक्तिनाथ भगवान की, नेपाल आमा को। हेलो, हाँ माता जी आवाज आ रही। हेलो हेलो, हर मान लगा, जय श्री राम। अब चोटियां ले ले, हम अभी जिंदा हैं। नारे जयकारे और भक्तों की भी ये तस्वीरें हैं नेपाल की, जहां बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने दिव्य दरबार सजाया तो पूरा काठमांडू भक्तिमय हो गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की, जानकी माता की, नेपाल पे है जानकी माता और हमको कुछ नहीं आता। राम 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 सीता राम राम। बाबा का क्रेज है ही ऐसा, चाहे वो छिंदवाड़ा में दरबार लगाएं या लंदन में या फिर काठमांडू में, भक्तों का सैलाब उमड़ना तय है। राम राम। अरे मान लिया तो हमको तो लग रहा है कि हम भारत में ही बैठे हैं। सच बताएं, नेपाल आकर के हमको बहुत आनंद आ रहा है। अब हम नेपाल आते ही रहेंगे। भक्तों की ऐसी भीड़ जुटी जिसकी उम्मीद खुद बाबा ने भी नहीं की होगी। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब था, अपनी अर्जी लगाने के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पहले सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, जो जहां है वहीं से आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जिनके पर्चा नहीं बन पाए, दरबार एक दिन का था लेकिन समय जितना ज्यादा से ज्यादा बना हमने दिया। अगली बार बहुत जल्दी हम नेपाल में बहुत दिनों का टाइम लेकर के आएंगे। बहुत दिनों तक दरबार लगाएंगे और सबको मिलेंगे, चिंता मत करो। जितने लोग यहां हैं जाओ, सबको आशीर्वाद है बागेश्वर धाम का। वहीं कुछ लोग सिर्फ ये देखने दरबार पहुंचे थे कि आखिर बाबा सब कुछ जान कैसे लेते हैं, इसका राज क्या है। कहां से हैं? नजदीक है, उस तरफ मुंह करें, बालाजी की तरफ। कहां से हैं आप? नारायणघाट। यही नेपाल में ही है? हाँ, चितवन। चितवन, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आप कल मिली थी आपको। अच्छा, एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट पहुंचे थे आप? हाँ। अच्छा भाई, आपने किसी को समस्या तो नहीं बताई? नहीं, हमें तो नहीं बताई। मुझे भी कुछ पूछना नहीं, बस आपसे मिलना है। अच्छा, पूछो। एक प्रश्न आया है, क्या? आप ही पूछ लो, हमारे तो पर्ची में लिख गया। बोलो जल्दी बोलो। मेरा फ्यूचर के बारे में। किस मार्ग में जाना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी नहीं। अच्छा, हमने ऐसा लिखा, आशीर्वाद चाहती हैं, कैरियर के बारे में पूछेंगी, किस मार्ग में जावे। हाँ सही है, सही। यही लिखा? हाँ, यही है। हमने आगे कुछ चीजें लिखी जो माइक से बोलने वाली में नहीं है, हम पढ़वा देते हैं आप। हाँ सच में है, यही है। और आप चूंकि पूर्व में तो शुरू में आप देखने आई थी कि क्या सत्यता है, हमको एक बार हर हाल में मिलना है, आपकी पहले ये मनोकामना थी, पर दरबार में आपने अर्जी यहाँ खड़े खड़े लगाई थी कि अगर अब वो हमें नजदीक बुला लेंगे तो हम मानेंगे कि इनके पास शक्ति है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। हाँ, 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 हाँ। जय श्याम। नहीं नहीं, हम नहीं, बालाजी महान। जय श्याम। चलो बहना, खुश रहो। अब बागेश्वर धाम भी आना। हाँ,
बात करियर की हो या फिर लाइलाज बीमारी से छुटकारे की, भक्तों को बाबा बागेश्वर धाम सरकार से हर समाधान की उम्मीद होती है। तभी तो लोग बड़ी आस्था के साथ अर्जी लगाते हैं और अपनी पारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पढ़े लिखे हो, बोलो क्या बात। हेलो। हाँ हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। आ रही, कान में लगा के देखो। हेलो, लगा इस वाले कान में लगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही? आ रही, ठीक बात करो। हेलो हेलो, हमने देखो इन्हें बुद्धू बना दिया। और ये बुद्धू बन भी गए सामने ही सामने, क्या हो गया? मेरा जो है सो लड़का तीन है, वो लड़का तीन में छोटा वाला जो लड़का जो है सो वो बच्चे जब जन्म लिया 4 वर्ष लेट बोला। इसके बाद में उसको हम ले गए थे भगवती स्थान सखरा माई, तो बोला, बोलने के बाद अभी उसको पढ़ा लिखा कर रहे हैं, मतलब सही से। उसका नाम क्या है? निखिल सराफ नाम। अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? जी। हिंदी पढ़ लेते हो? पढ़ लेते। अच्छा पढ़िए। भक्ति बनी रहेगी, व्यापार सुन चांदी का है, काम तेज चले, बेटा की समस्या लेकर आए, निखिल पर कृपा होगी, वह बुद्धि का तेज नहीं है, बुद्धि उसकी कमजोर है एवं बीच बीच में बहुत परेशान करने लगता है, उसकी बुद्धि 2 वर्ष के अंतर्गत ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर बाबा की, बुद्धि तो आउँछ जान्छ तर म बाबुका लागि आको हो। हेर्नुस हजुर, क्या कह दिया आपने? बुराई तो नहीं बताई? नहीं नहीं, हमने क्या कहा कि एक हम नेपाली है, है और मेरा फेस पूरा इंडियन से मिलता है, है? हाँ, अब उसमें भी हम बॉर्डर का है, है और उसमें भी मेरा सोना चांदी का दुकान छोटा बड़ा हम अपने साऊ है, हाँ, और मेरा 3 लड़का में दोनों ठीक है, हाँ, ये एक लड़का का समस्या मेरा जो हो जाने के वजह से लड़का परिवार और मेरा साथी बंधु सब लेकर आए हैं, आज 3 रोज से हम यहाँ ठहरे हुए हैं, हाँ, और हमको आपके जो YouTube में देख रहे थे, हाँ, मेरा इंडिया का रिलेशन सबसे हम पूछ रहे थे, हाँ, वो जो बोले नहीं एकदम बागेश्वर बाबा का वो जो पुजारी जो है से पूरा ध्रुव सत्य है, आपका नेपाल में आया हुआ है, आप जाइए आपको लगेगा। इसके बाद हमने आज 10-15 रोज से नारियल में आपको जो है अर्जी बांधी है, अर्जी बांधी अपने देवता रूम में, और मांस मछली दारू तारी इधर क्या कहते हैं लहसुन प्याज कुछ नहीं खाए हैं, और बच्चा का हॉस्टल में से लेकर आए हैं, और मेरा परिवार भी। अच्छा, उधर बताओ, रुके हुए। आपने सोचा था कि अर्जी लगेगी? नहीं सोचे थे, और लग गई, आज लग गई, हाँ, लग गई। अब तुमने नेपाली में ये बताया सत्य, हाँ, है कि नहीं? बता दिए, और भी बताना होगा हम बताएंगे, हाँ, ये पूरा ध्रुव सत्य है। ध्रुव मतलब? मतलब कि बिल्कुल ने सही। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हम आजान कह रहे हैं झूठ? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा ठीक बताया, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोलते। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो हम फिर लोगाइयों के बारे में भी बता देते हैं। जाओ, आशीर्वाद, खूब कृपा करो, तुम्हारे बालक की चिंता और जिम्मेदारी अब हमारी। बहुत अच्छा है, बीच बीच में आवेश बहुत आ जाता है, क्रोध बहुत आ जाता है, व्यापार तेज चल जाए, नया काम भी शुरू करना चाहते हो, 2 जमीनों के काम जो डले हैं वो भी तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, भवन पर खूब देवी की कृपा है, हनुमान जी और देवी के तुम बहुत उपासक हो, भगवान शंकर का अनुष्ठान एक बार और करवाना है, और बाकी पेट शरीर की पीड़ा भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। राजनीति में मत जाना, क्योंकि आप अभी तुम्हारे साथ में लोग धोखा करते हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं। जी जी, एकदम सही बात है, ये तुम्हारे बारे में है, ओ, बाकी लुगाइयों के बारे में नहीं बताएंगे। एकदम ठीक। कुछ रहो, आशीर्वाद लो, पांव पल्लो, तुम अच्छे चिल्लाओ, पांव पल्लो, तुम्हें छूट है, लो जा, खुश रहो, जा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का टंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है। वो जहाँ जहाँ दरबार सजाते हैं, भक्तों की भीड़ उम्मीद से कई गुना ज्यादा उमड़ती है, पंडाल छोटे पड़ जाते हैं, सड़कों पर लाइनें लग जाती है, शहरों के तो चक्के जाम हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।